Loh. अबे भैया नौटंकी क्या कर रहे हो, ये क्या हो गया? क्या? क्या? मम्मी जी 101 दिन कामदेव की पूजा पूरी हो गई है, अब तो मेरी शादी हो जाएगी ना। अरे अरे सुन, 101 दिन पूरे कर लिए क्या? जी जी। बड़ा ढीठ लौंडा है, जो ठानता है वही करता है। आप पर गया बिल्कुल भाभी जी। सच कह रहे हैं। वाह बेटा वाह। अच्छा बेटा पंडित जी आ रहे हैं, तुम इसी अवतार में रहोगे? हाँ हाँ, मैं अपनी मेहनत पंडित जी को दिखाना चाहता हूँ, मैं तो ऐसे रहूंगा। नाराज मुनि लग रहा है एकदम। अरे अरे वो देखो आ गए पंडित जी, आ गए पंडित जी, आ गए। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो जजमान, जय हो। बैठिए भूतनी के। कौन मैं? नहीं मैं भूतनी के। अच्छा मिठाई ले आ जाके। पंडित जी ये मेरे बेटे की कुंडली है, जरा देखिए। अवश्य बेटा मेरे बच्चे की कुंडली। वक्र तुंड महाकाय संस्कृत बोल रहे समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्वकारेषु सर्वदा। अच्छे अच्छे लग रहे हैं। नमः नमः। शाय नमः। किसकी कुंडली है? मेरी है, मेरी है, मेरी है। अच्छा जल्दी जल्दी बता पंडित जी कब होगी मेरी शादी? इनका इकलौता बेटा है, 101 बार किया है कामदेव की पूजा। दिख रहा है, दिख रहा है। धन संपत्ति बहुत है। वो तो है। एकदम एकदम सही बोला। अच्छा है। माँ बाप का भी बहुत स्नेह है। स्नेह तो है। मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी। शनि सप्तम भाव में है। एकदम सही बोला। अच्छा है ना जी। हाँ हाँ आगे बताइए, फिर खाइए। राहु और केतु की दृष्टि है। हाँ। अच्छा है ना। और बृहस्पति भी जन्म के समय वक्री था। हाँ, वो याद था। ऐसे जातक को तो कदापि विवाह नहीं करना चाहिए, बहुत भारी दोष है भाई, कलेश है भाई शादी में। भूतनी की हटा मिठाई है। क्या पंडित जी काहे का दोष? शास्त्रों में लिखा है। ना 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 ना, ना। कोई संभावना तो निकालो। शास्त्रों में लिखा है भाई, अनर्थ हो जाएगा। अरे अनर्थ कैसे कोई? वो देखो कैसे पागल हो गया। बच्चे पाखे 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 मेरे बच्चे। करते हैं उपाय पंडित जी, कुछ कीजिए। कैसे पागल हो गया पंडित जी, ऐसे कैसे चलेगा? इकलौता बेटा है, मैंने शादी की नहीं, इसकी शादी हो नहीं रही तो वंश कैसे बढ़ेगा? इतना बड़ा खानदान, इतना पैसा वैसा तो कहाँ घुसाएंगे? एक दिन के बाद कोई मम्मी मेरी कोई शादी नहीं चाहती। आप इसमें देख के बताओ। पढ़ लिए कुंडली। ललन भैया, ललन भैया। आएगा मातम गाय छाया भाई। मातम तो पंडित ने बना दिया भैया। काय कह रहा है, हमारी कुंडली में दोष ही दोष है, ये शादी नहीं हो सकती। काय काय नहीं हो सकती भाई? बताओ काय नहीं हो सकती रे? सारा लौंडा लौंडे से शादी कर रहा है, लौंडिया से शादी नहीं कर सकता, का प्रॉब्लम? हम थोड़ी कह रहे हैं जजमान। तो कौन कह रहा है? ये कुंडली कह रही है। कुंडली कह रही है? का कह रही है कुंडली? दोष है, भारी दोष है। दोष तो बेटा तुम्हारी कुंडली में चालू होने वाला, जान रहे हो, समझ रहे हो तुम? भैया जी काय रे? अरे आपने बोला था ना कालू को गोली मारने, उसको गोली मार दिया है। साला गोली का है मार दिया, ईंट से मारना था ना, इतनी महंगाई में साला गोली से मार दिया। देखो कोई उपाय है। देख रहे जजमान, देख रहे। देखो जल्दी, नहीं तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ लग रहा है? होगा होगा, शास्त्र पढ़े हैं, कई है, विधान तो है। जजमान एक उपाय है, देखिए ऐसे लगन का शास्त्रों में विधान है। अच्छा, लेकिन रहने दीजिए जजमान, आजकल गैर कानूनी है। आप उपाय बताइए, कानून हम संभाल लेंगे। देखिए जजमान, शास्त्रों में ऐसे लगन का विधान है, दूल्हे का स्थान कोई और ले लेता है, मतलब दूल्हे की जगह कोई और जाता है, विवाह करता है और लड़की को विदा करा के घर ले आता है। विदा के बाद दुल्हन तो घर पर ही रह जाती है और वो व्यक्ति कहीं चला जाता है और दुल्हन रह जाती है अपने असली दूल्हे के साथ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय। का बोल रहा है भैया जी? हाँ। प्रॉक्सी वेडिंग की बात कर रहा है ससुरा। अरे भैया जी हम समझ गए, याद है
मैट्रिक की परीक्षा में आपकी जगह कौन बैठा था? लालू सिंह। लेकिन फर्स्ट डिवीजन का सर्टिफिकेट किसको मिला था? हाँ, उसी तरीके से वो दूसरा लड़का सारा रस्म रिवाज करेगा, लेकिन दुल्हनिया ले जाएंगे अपने बाके भैया। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। काय नहीं नहीं चाचा, काय नहीं काय नहीं, लड़का कोना मर जाएगा का? ये तो उस लड़की के साथ सरासर धोखा होगा। आप चुप रहिए जी। करैया बात कर रही है बड़े भैया, ठीक ही तो कह रही है। हाँ। धोखा कौन कर रहा है लड़की के साथ? हम तो उपकार कर रहे हैं, उपकार। यहाँ आएगी रहेगी, कभी छम यहाँ कभी छम वहाँ, क्यों पंडित जी? लड़का पैसे वाला है। हाँ। माता पिता का बहुत प्रेम है। देखिए पंडित, हाँ? अब तुमको ही एक नकली दूल्हा किराए का और दुल्हन का इंतजाम करना है। जान हो जाए, हो जाए, हो जाए। जरूर जजमान, जजमान, जजमान। हैप्पी हो? ठीक है, चले पंडित, आपको आपके घर तक छोड़ाते हैं। मैं चले जाऊंगा जजमान। नहीं नहीं जजमान, मुझे इस्तेमाल में जजमान। अरे नहीं नहीं, आइए आइए। माफ कीजिए, एक भूल सुधारने का मौका दीजिए प्लीज। हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, बस अंजलि मेरी हो जाए। पंडित जी, प्रसाद, आप शगुन होगी, आप शगुन होगी। मजा आया। बिल्कुल सही किया। अरे इतना तो बुआ जी को समझना चाहिए कि जिस लड़के को तुमने देखा तक नहीं, उससे शादी कैसे कर सकती हो? बल्कि जिससे तुम एक बार भी मिली हो ना, उससे भी कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो तुम्हारे शहर का हो और जिसे तुम बचपन से जानती हो। बचपन से मेरा ना दिमाग बहुत खराब है, तुम चुपचाप यहां से चले जाओ। ठीक है, मगर मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना जरूरी है। ठीक है, क्या हुआ ऐसे, क्यों कोई मारा क्या? क्या क्या हुआ बे? पता नहीं क्या 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 कर रहे हो तुम? पंडित जी, याद रखना पंडित, तुम्हारी बेटी की मांग में सिंदूर माला पढ़ने से पहले अगर हमारी परमाला नहीं पड़ी तो तुम समझ लेना। क्या हुआ तो क्या हुआ जजमान? ये सब सिखाते हो, यही तुमने संस्कार सिखाए अपनी बेटी को? हुआ क्या मेरी बेटी, बोल तो सही, हुआ क्या? बच्चा रो मत, नौटंकी साले। लेकिन अभी क्या भैया, भाग गई इसकी बेटी, भाग गई। अरे बाकी बात बताओ, इसकी बेटी भाग गई तो भाई तुम क्यों रो रहे हो भाई? अरे इसकी बेटी अपने किराए के दूल्हे राजेश के साथ भाग गई। अरे अरे फूफा, एक बात बताइए, इसका कोई रिलेशन था क्या उसके साथ में? अरे हमको किसी ने बता? अरे हमको किसी ने बता नहीं भाई। अरे पंडित का इस का है, आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत जोड़ो। अपने आप को मेरी जगह रख के देखिए, बेटी का मामला है, मुझे बस स्टैंड तक छुड़वा दीजिए। अरे पंडित जी, अब अकेले कहाँ जाएंगे, हम भी वापस ही जा रहे हैं, आपको छोड़ देंगे। अब लड़का तो भागी गया ना, तो फायदा क्या है बारात लेके जाने? देखिए नंदलाल जी, वो लफंगा पता नहीं मेरी बेटी को कहाँ ले जाएगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। शादी होना जरूरी नहीं। अरे क्या कर रहे हो, शादी होना जरूरी नहीं। अरे शादी होना जरूरी नहीं, शादी होना जरूरी नहीं। देखिए मैं अपना असिस्टेंट छोड़ जाता हूँ, वो बहुत सारी शादियां करवा चुका है, मुझे जाने दीजिए, बेटी का मामला है। ये रोते रोते क्या करवाएगा, अब जाइए पंडित जी, जाइए जाइए। अरे उठो उठो, बाल के ले जाओ, ये सदमे में है, ले जाओ। साहब, राजेश ऐसा नहीं दिख रहा। कौन राजेश? है कोई, है कोई? नहीं नहीं, दूर दूर से नहीं है, क्या बात करते तुम? नहीं यार, लौंडे को आप चश्मा लगा के देखो, मोटा वाला सेट, सेम टू सेम। नहीं 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 कन्हैया, बिल्कुल नहीं। अरे तेल टाइप बाल कर दो, 100% दिखेगा, ध्यान से देखो। कोई नहीं चाचा, यही राजेश है, यही राजेश है ना? है देखा, भगवान होता है, तुम
जरूर दुल्हन लेके आओ। अरे बेटा जरा आना उधर। अरे भैया और भी लोग हैं लाइन में, क्या सोच रहे हो बैठ के? तो फूफा जी ना सठिया गए, एकदम सठिया गए फूफा जी, दोनों टांग ऊपर करके खड़े रहते हैं कि कब आसमान गिरेगा हम ऐसे करके रोक लेंगे। और समझाने के लिए जाओ ना तो पागल कुत्ता की तरह नोचने के लिए दौड़ते हैं है करके। फूफा जी आजकल का साबुन भी ना हमको लगता है फिनाइल मिला देता है। अब फूफा जी हम तो ले लेके आते हैं आपके लिए। अरे निकलो ना तुम भाई, अंदर में गजल गा रहे हो काजी। ए विराट, ए घोड़ी तैयार, तू यहाँ क्या कर रहा है? घोड़ी तैयार है यार। बाके भाई मुझसे नहीं हो पाएगा ये, लो मैं शादी नहीं कर सकता यार। ये तुम जानते हो कितनी घबराहट हो रही है, डर लग रहा है मुझे। और मेरी गर्लफ्रेंड को पता चल गया तो भैया वो तो मुझे छोड़ देगी ना, और पिताजी तक। तो एक काम करते हैं यार, इस बात को रहने देते हैं। प्लीज प्लीज मुझे टेंशन हो रही है यार, जाने दो मुझे। भाई तुझे टेंशन क्यों हो रही है, तुझे डर क्यों लग रहा है? तू तो कोई गलत काम कर रहा है। अरे तू तो पुण्य कर रहा है, अपने पिताजी की मदद कर रहा है। भाई एक दिन की बात है, तू ज्यादा मत सोच, ज्यादा मत सोच, तू सोच मत। हाँ वो तो ठीक है, फिर जब फिर क्या गलत है? लेकिन मैं पकड़ा गया तो कैसे पकड़े जाओ? भाई साहब आप तो अंजलि के साथ अपना घर बसा लेंगे, बच्चे बच्चे कर लेंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? पूरे परिवार की नाक कट जाएगी ना, वो भी 2.5 लाख रुपयों के लिए, सिर्फ 2.5 लाख। यानी रहने देते हैं यार बाके, तू तू कैसे कैसे? अरे जाने कैसे दूं, तू काहे के लिए इतना सोच रहा है? क्योंकि मेरा सब कबाड़ा हो जाएगा। सिर्फ तू सिर्फ मेरे बारे में सोच, सिर्फ मेरे बारे में सोच। अच्छा ठीक है बाके। अच्छा देख यार, सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूं मैं, सिर्फ तेरे लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अंजलि, राजेंद्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतनी बेरहम पत्थर दिल कैसे हो सकती हो तुम? क्या किया मैंने? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या किया? मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंजलि, और तुम भी मुझसे करती हो, मुझे मालूम है। जब हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो फिर ये शादी क्यों? और तुमने अभी तक अपने घर वालों को हमारे प्यार के बारे में क्यों नहीं बताया? तुम पागल हो? मैंने कब कहा तुमसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नीचे जाओ, सबकी मदद करो। चलो हम कहीं भाग चलते हैं। अंजलि हमारे पास टाइम नहीं है, नीचे बारात आ चुकी है, ये आखिरी मौका है भागने का। चलो। ए! पी रखी है क्या? आखिरी मौका है तुम्हारे पास, चुपचाप भाग जाओ वरना शोर मचाऊंगी, इतने चप्पल पड़ेंगे ना दिमाग सही हो जाएगा, बदतमीज कहीं के। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंजलि, खुदकुशी कर लूंगा मैं। खुशी से कर लो, जाओ यहाँ से। चाचा जी हम आ गए। तू यहाँ कहाँ से आ गया? निकल यहाँ से, भाग ले, इससे पहले तुझे कोई देखे समझ रहा होगी नहीं। जाओ जाओ। चाचा जी ब्याह? कौन सा ब्याह, ब्याह हो गया। चाचा जी हमारा 1 लाख रुपया। किस बात का 1 लाख रुपया बे? दूल्हा बनने का। दूल्हा तो बन गया, तुम यहाँ बिरयानी खाने आए कुत्ते? चाचा जी जस्ट लेट ही तो हुए हैं, प्लीज कंसिडर मी। चाचा जी प्लीज। ललन ललन चाचा जी, चाचा जी बोले, चाचा जी इसको कंसीडर कर, जल्दी कर। चल बे आ जा मुन्ना, तेरे जा जा कंसीडर। चल बे, अरे भाई हम हमें 1 लाख रुपए लेने दीजिए ना। चल ना आप समझ लो, मैं भी बैठ जाऊं। साहब सिट डाउन, कहीं से भी कोई लोग आ जा रहे हैं, क्या मैनेजमेंट है? कहीं अब तो कोई टेंशन नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक। पिंकू के पापा जी हम आ गए। अरे उधर का देख रहे, हमसे बात कीजिए। क्या हुआ? आपके राज में कोई लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं? अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे हमरे तो गेस्ट आ रहे हैं, दूध कम पड़ गया है, कुछ कैश निकालिए।
अरे निकालिए ना, इनसे लो ये देंगे, क्यों दूं मैं ये देंगे पैसा, निकाले निकाले कुछ निकालिए, खर्चा कीजिए। भूतनी के जी आया, भूतनी के 20 रुपए दो इनको, लो 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 भैया पैसे, इसको पकड़ के ना संभाल के रख रहे हैं, रखेंगे ले जाएगा इसे सीना में लगा के, ये लो इनको पापा। चलो ठीक है, मैट्रिक पास है हम, बीएलएमपी, ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता, लाख रुपए दे दीजिए हमारा, ठीक है तो गाड़ी वहां से बुला, हमारा लाख रुपए दे दीजिए बस, अब चल भैया, भैया भागे, भैया मारेगा मत, भैया चल दे, अरे चल दे, चल चलेगा, हां जा रहे ना, तो चल भाग, मारिएगा नहीं, हाथ नहीं उठाएगा, चल निकल, हम भी अच्छा करके हैं, चल निकल, भगवान मैं अनाथ हूँ, इस शादी ने मुझे अनाथ भी बनवा दिया। हे भगवान मेरी जल्दी से शादी करा दो, पता नहीं शादी से पहले क्या क्या बनना पड़े। बिट्टू जी, बिट्टू बांके, कौन बांके? अरे बेटा तो तुम ही बांके हो, कभी बिट्टू कभी बांके, क्या गड़बड़ घोटाला ये क्या चुपाले में बाबूजी, कन्हैया वो देखिए बांके क्या चुपाले में निकल, लल्लन कहाँ है, छोड़ लल्लन भैया, आते हैं आते हैं, कहाँ चले, कहाँ वो, कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ कहाँ वो बेटा, ये कह रहे हैं मेरा नाम बांके। हाँ तो है तो, अरे तो हम कह रहे हैं इनका नाम बांके। हाँ भाई बांके है, मतलब दुनिया में एक ही बांके होता है कि ये भी बांके है वो भी बांके है, आपका नाम राजेंद्र है। हाँ है तो, हमारे मामा के लड़के का नाम भी राजेंद्र है, अब अगर वो राजेंद्र है तो तुम राजेंद्र कैसे हो सकते हो बताओ, है नहीं बताओ, बताओ ना तुम्हारा तुम्हारा नाम राजेंद्र कैसे, लल्लन भैया बताओ, अरे हम राजेंद्र है, कट लो, लेकिन इसके कट लो अगर, थैंक यू भैया, अरे तुम ही बाकी जी, तुम ही अरे नारायण, नमस्ते नमस्ते, क्या ला, बस सब ठीक, बड़ा अच्छा हुआ जो आप आए, अरे आता कैसे नहीं प्रा, अपने बच्चे की शादी है, है? जी, बताइए और क्या हाल चाल, सब कहाँ है बच्चे, मैं अभी आपको उनसे मिलवा देता हूँ, मिल लूंगा, कहाँ है बच्चे, राजेंद्र और सेठ ठीक है आपके, बस जी हाँ सब ठीक है, शुक्र बेटा, जरा इनको दूल्हे से मिला दो जी, आई आई, ओए अपनी बच्ची है, हाँ जी भोजन मेरे हाथों में खेली है, बाकी हाँ जी ये बलवंत जी हैं जी, नमस्ते, ओ विराट पुत्र तू इत्थे की कर रहे, बलवंत अंकल है मेरे बाप के दोस्त, संभालो, ओ विराट पुत्र, विराट जी मैं विराट नहीं, मेरा नाम बाके है, और चेहरा बदल के मेरा फुद्दू नहीं बना सकता, मेरे हाथों में खेला है तू, और तुझे बचपन से देखा है, तू विराट ही है, शर्मे का पुत्र है तू, अंकल नमस्ते, आपने लहसुन का रसगुल्ला और पाया विराट और कीमे की कलेजी पुत्र, वो डिनर कर रहे हैं, आप माफ कर रहा, मैंने आपको बजा है, कौन किसने बुलाया आपको, मेरे को लड़की वालों ने बुलाया, मैं नारायण का दोस्त हूँ, अच्छा अरे आप लड़की वाले, वेलकम वेलकम वेलकम, ठीक है, प्रॉब्लम क्या आपकी, प्रॉब्लम वो विराट है शर्मा जी का बेटा, वो नहीं नहीं वो बाकी है मेरा बच्चा, उसकी शादी है, नहीं नहीं क्या बात कर रहे, शर्मे का बेटा मेरा विराट, इतना बेटा इतना बेटा आप हद कर रहे हो, ये मेरा बच्चा है इसकी शादी है, आपका बेटा हो ही नहीं सकता, आप मतलब पापा जी आप सबके सामने मेरी मर्दानगी को ललकार है, हाँ ये आपका बेटा हो ही नहीं सकता, ये मेरा मैं प्रूफ कर दूंगा, आप प्रूफ करेंगे सबके सामने ये मेरा बच्चा नहीं है, ये नहीं है, हाँ मैं प्रूफ कर दूंगा कि आपका बेटा नहीं है, ये विराट है, कन्हैया ओ विराट इधर आ, तू सोने का गणपति था, चाचा जी इनसे मिलो, बचाओ, क्या भाई तू कोट पहन के बच्चों को क्यों डरा रहा भाई, क्या हुआ बड़े भाई साहब, पापा जी कह रहे हैं मेरा बेटा ही नहीं है, और आपने मान लिया, क्योंकि ये नहीं मान रहे ना, क्या यार सिद्धू तू बड़े भाई से मजाक कर रहा है, कौन सिद्धू, मैं बलवान तू, देख रहे हो दिस इज द सिविलाइजेशन ऑफ वाराणसी, क्या बात कर रहे हो यार, इस केस में क्या होता है, जैसे ये सिद्धू है इसको लग रहा है ये सिद्धू नहीं बलवंत है, अच्छा और बलवंत जो की सिद्धू है वो कह रहा है ये बांके नहीं विराट है, विराट तो क्या लगता है आपको ये केस? I think this is a gone case. Gone case? Come on case. इधर आओ. आप इंग्लिश समझते हैं? थोड़ी सी. देखो जी आपको metamorphosis of cyclothenesis of photosynthesis हुआ है. वो क्या? इसमें एक ही शक्ल हर आदमी में दिखाई देने लगती है. हाँ. दिन में सूरज दिखाई देता आपको? हाँ. मुझे भी दिखाई देता है. रात में खाना खा लो भरपेट उसके बाद भूख लगती है? नहीं. मुझे भी नहीं लगती. अब मेरे को फुद्दू समझा. अब मेरा तक सिर दर्द नहीं हुआ.
फुद्दू बनाया मेरा। कहाँ खोए हो, अच्छे से दूल्हा बन के बैठो। ओम गंगणपतये नमः। भगवान गणेश जी के चरणों में चावल छोड़ दीजिए, फिर से हाथ में श्रीफल ले लीजिए, दोनों हाथ में रखिए, वहाँ से आप वो श्रीफल ले लीजिए नारियल और मुझे दे दीजिए। एक मिनट, क्या? हाँ जी, आराम से। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओके, आराम से, क्या कर रहा है यार? मम्मी, ये कौन लंगूर है? ये पागल है क्या? हर चीज में अपनी टांग रहा है, इसको हटाओ यहाँ से अभी के अभी। तू चुप कर, ससुराल वाले सभी यहाँ है, चुप करके बैठ जा। अगरबत्ती दूर रखो। अरे यार, क्या कर रहे हो यार तुम? अरे ये कपड़ा संभाल। ये कौन है? ये हर चीज में अपनी टांग अड़ा रहा है, पागल है क्या? पंडित जी, ये हमारे सबसे छोटे चाचा हैं। हैं 35 साल के, लेकिन दिमाग से थोड़े पैदल हैं, बच्चे जैसे, तो डोंट माइंड ना, कुछ कुछ करते रहते हैं। सब ठीक? हाँ, बहुत बढ़िया। काम शुरू करवाओ जी। अरे भैया, सीढ़ी भी है। भैया जी, टॉयलेट नहीं मिल रहा था तो गए थे, थोड़ा इनके बाप भी पैसा देंगे, इन भी मैट्रिक पास, छुप के जाएंगे और पैसा लेके आएंगे, पैसे की तहसीन। इस लड़की को राजेंद्र को जब ढूंढो ना तो मिलते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला। बुआ जी, बुआ जी प्रणाम, बाद में बात करेंगे, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। बाबा, बुआ जी प्रणाम, हमें पहचाने? अरे आप कालागढ़ आए थे ना लड़का देखने, वही तो है हम, रिकॉग्नाइज हैं तुम? तुम ही हो? हाँ, तो धोखेबाज कहीं के, मैं ये शादी होने नहीं दूंगी, देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। हमारा लाख रुपए तो बुआ, बताइए कहाँ हुआ? बुआ जी, बुआ 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 करके उनका ब्लड प्रेशर बढ़ाओगे, देंगे काम गिनची तुमको। मजाक समझा है क्या? टांगे तोड़ के रख दूंगी, देखती हूँ। बुआ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरे लिए अच्छा ही सोचा था, लेकिन तब मैं समझ नहीं पाई थी। आप जान गए हो कि इससे अच्छा लड़का मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू बुआ जी। So you give me my money first, I'll go. तुम्हारी इंग्लिश को भी हम संस्कृत में बदलते हैं। अरे ललन, ललन भैया उधर है। ललन, यहाँ आओ। क्या हुआ? आओ ना जरा। क्यों बुला रहे हैं उनको? तुम्हें पैसा देगा ना? अच्छा है। चिकोटी मत काटो। क्या है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या है? पैसा दो उनको। पैसा? कौन पैसा? लाख रुपीस शादी का। तुम मांगो तो से। हाँ दीजिए ना, तो 10-10 का नोट ले लोगे? हाँ ले लेंगे। आओ जी। हमें लगा ही था कि वरा वेरी गुड ह्यूमन थिंग। बहुत अच्छी पहचान है तुम्हें आदमी। बट जी सर, बहुत अच्छा विश्वास। गाड़ी लाए क्या? इतना रिस्पेक्ट कार लेके आए? हमारा विश्वास तोड़ेंगे नहीं। हमारा हमको विश्वास था कि मुकल आकर ले आराम से बेटा, आकर भैया जी आ गए। जब टाइम मिले ना बेटा तो गिन लेना, अगली बार कोनो बदमाशी किए तो नोट तुमने मुंह में नहीं डालेंगे, पर डालेंगे जान लो कहाँ, समझे? चलो बे साले। ना रहेगा बास, ना बचेगी बासुरी। आराम से रखो।
चुपचाप मांग में सिंदूरी दल बढ़ता और हम लोग इधर से गायब हो लेंगे तुरंत। क्या बात कर रहे हो, रस्मों रिवाज कोई चीज होती है कि नहीं होती कन्हैया? बहुत कन्हैया बड़े भैया, रस्मों रिवाज के चक्कर में फंसेंगे तो बहुत मार खाएंगे हम, बहुत मार खाएंगे। पर हम लड़की वालों को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पर हम लड़की वालों को क्या बोलेंगे? पर बोल दीजिए ना, पंडित जी ने कहा है, मुहूर्त निकला है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का घर पहुँचना जरूरी है, बोल दीजिए। नहीं बोलिए आप लोग, कोशिश करता हूँ। ये बात भी सही है, पंडित जी वाली बात उनको समझ आ जाएगी। अब सिंदूर की रस्म होगी। आप अपने बाएं हाथ में सिंदूर की डब्बी ले लीजिए और अपने दाहिने हाथ से वधू की मांग में भरिए। भरो भरो। आराम से टीका उठा के टीका लगा, सीधा सीधा लगा। हो गया जी सिंदूरदान। ओ भूतनी के गाड़ी निकाल, निकलेंगे सब लोग। गाड़ी निकाल के लिए सब। अच्छा जी नमस्कार। अच्छा जी नमस्कार। पर बहन जी इतनी जल्दी कैसे, अभी तो बहुत सी रस्में बाकी। अरे नहीं, यहाँ से जाएंगे तो घर टाइम पे पहुँच जाएंगे ना। हमारे पंडित जी जो है ना वो। फूफा जी कौन पंडित अपना? चुप कर। अरे वो हम समझ गए, पंडित जी ने कहा ना घर टाइम पे पहुंच जाएंगे ना तो शुभ मुहूर्त होता है ना, तो अच्छा काम होता है। चलिए सही कह रहे हैं, चलिए आप लोग। नमस्ते नमस्ते, अच्छा नमस्ते, नमस्ते हमें जाने की इजाजत दे। अरे भाभी आप विदाई की तैयारी कीजिए बस। बस चलिए खाना पीना नाश्ता छोले पूरी। अरे भाभी जी एक काम कीजिए, इसको पैक करो, पैक कर दीजिए। हम लोग रस्ते में कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई बुरा मानेंगे ये नहीं, बुरा बिल्कुल कोई बुरा नहीं मानेगा। अरे लेकिन भाई साहब, अरे ये बुरा मानते तो ऐसा नालायक पैदा करते। अरे मतलब फूफा जी आप मजाक से बाज नहीं आते। ठीक है ठीक है, जैसा चले चले चलो धीरे बढ़ो, फोबा चलो बढ़ो। कुछ चाहिए आपको? क्या है, क्या हुआ? ये कमरा कैसा लगा आपको? ये सब सजावट मैंने करवाई है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मैं बाके तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा प्राणनाथ, तुम्हारा पति, तुम्हारा किट्टी पाई। वो ना जिसके जिसके साथ तुम्हारे साथ फेरे पड़े थे, वो विराट है। मैं बहुत एहसानमंद हूँ उसका, बहुत अच्छा लड़का है। उसके ना उसके पिताजी पे हमारे चाचा का कर्जा था, तो ये दो दिन दूल्हा बनने की वजह से उसके पिताजी का कर्जा माफ हो गया और उसकी वजह से हमारा तुम्हारा मिलन हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा तुम ये सोच रही हो कि मैं रस्मों में क्यों नहीं था? मैं तो रस्मों में रहना चाहता था, लेकिन वो पंडित, ये दोष वो दोष कुंडली दोष, मतलब पूरा जामा फंसा दिया। मैं ना फिजिकली तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन मेंटली रूप से चारों तरफ मैं वहीं घूम रहा था। एक बात बोलूं, अगर सच्ची मुच्ची में मेरे साथ फेरे किसी के साथ पड़े होते ना, तो तब भी तुमसे सुंदर बीवी नहीं पाता, बहुत सुंदर हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। एक मिनट, आगे बंद करो, आगे बंद करो, आगे बंद करो, आगे बंद करो। ये मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, कैसा लगा, पसंद आया? मैं तुम्हें पहना दूं? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमें हाँ। पता था। थैंक यू थैंक यू। बाथरूम कहाँ है? हाँ, बाथरूम बाथरूम, आजा 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 बाथरूम आजा, ये यहीं रख दो। हाँ, हाँ, हाँ। और तुम अच्छे से चेंज करा। हाँ। नहीं मैं इंतजार करता हूँ। बाके तुम ना बहुत अच्छे हो। सच्ची में? सच। और ना मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे बहुत खुश रखोगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक काम करें,
अपनी नई जिंदगी की शुरुआत ना हम माँ बाबू जी के आशीर्वाद से करते हैं, है ना? तो बाहर चले, चलो 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 चलो। अरे संभल के जल्दी चलो। बहुत अच्छा है बाके। हाँ। चलो लुका छुपे खेलते खेलते माँ बाबू जी का आशीर्वाद लेते हैं, है ना? मजा आएगा। तो तुम आँखें बंद करो, मैं छुपती हूँ, तुम मुझे ढूंढना, ठीक है? उसके बाद मैं आँखें बंद करूंगी, तुम छुपना, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं आँखें बंद करता हूँ, मुझे मुझे कूका मार देना। छिप गई? हाँ हाँ छिप गई। इधर ओ या थप्पा। अरे यार मैं पकड़ा गया। चलो मैं फिर से छुपूंगी, तुम फिर से काउंट करो। ठीक ठीक काउंटिंग। चीटिंग मत करो। और 20 तक गिनना। ठीक। चीटिंग मत करना। हाँ हाँ हाँ। एक दो तीन चार पाँच। कितनी प्यारी बहू है। वो देखो उधर, इधर आना, उधर ही बाहर। I love you, mommy. चलो निश्वास। खड़े क्या हो यहाँ? तुम आ गई? चादर लगी है। किसकी गाड़ी? तुम्हारी गाड़ी? अरे मेरी नहीं है, चादर लगी है। अरे तो किसकी है? अरे चलो। अरे तो चोरी करेंगे क्या? तुम आ गई? चलो। तुम आ गई? तुमसे तुम्हें बाद में निपटती। अच्छा वन सेकंड, मुझे कुछ निपटाना है, अभी आया। बाके यार यार ये पेपर मुझे लगता है ये तेरे पास ही रहना चाहिए, ठीक है? बाके सिर्फ तेरे लिए। हाँ, सब तेरे लिए किया, ये ले। चले चलो। चाचा लल्लन भैया आजा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ है? अंजलि को लेके भाग गया, अंजलि को लेके भाग गया, इधर से लेके भाग गया, ऐसे स्कूटी पे लेके भाग गया। पाके, पाके, अरे सुन, पाके, अरे इधर तो आ। हमारे हमारे साथ अब खेलिया खेल रही है, इधर से लुका छुपी खेल रही है। पाके पाके, अरे मेरे बच्चे होश में आ। पाके पाके अंदर अंदर चल, अंदर चल मेरे बच्चे, अंदर चल बेटा। ओके 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 ठीक है यार। अरे तुम चिल्लाना बंद करोगी प्लीज? पता नहीं कौन सी गलियों में घुसा रहे हो एक तो। अरे तुम्हें बचा के ले जा रहा हूँ यार। तुम बचा रहे हो? अरे मुझे डराना मत करो। मैं नहीं डरा रही हूँ, तुम्हारी गलती है, नहीं बन के आना चाहिए था। अरे किसकी गलती है यार, मुझे क्या पता है। अभी चलो दूसरी गली में जाओ, वहाँ चले सीधा दौड़ा दो एकदम, वहाँ भागे से पकड़ो उसको पहले। अच्छा जोर से पकड़ लो, स्लोप आ रहा है। अरे तुम भी जाओ।
अब क्या करें? बैठो। छोड़ देते हैं यार। तेज चला लो थोड़ा वरना पकड़े जाएंगे इस बार। अरे चला रहा हूँ यार। अरे उस गली से नहीं। घर के इज्जत का सवाल है बेटा, रुक जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? अंजलि क्या कर रही हो यार? अरे अंजलि क्या कर रही हो? आ रहे वो। चलो 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 चलो। वो सारा मानस पे। अबे हम लोग बच गए, वो निकल गए बे। हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, देखिए दुल्हन तो उसी की है ना। हाँ, तो जान दे बेचारे बाके का क्या होगा।